जी फ्रेंड्स, आप फिरोजी फिश एंड फूड्स के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रबिया खान चैनल। हाउ आर यू ऑल? प्लीज गुड आल्सो। तो आज व्यूवर्स, मैं अपने व्यूवर्स को लेकर आई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त सी जगह पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी आने वाली है। सर्दियों में हम सबका फोकस किस चीज पर रहता है व्यूवर्स? हमारा तो रहता है, आई होप आपका भी रहता होगा, तो फिश खाने पर ज्यादा फोकस हम लोग रहते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजी फिश फूड्स पर, जो कि सिचुएटेड है गाने जोहर पहलवान रोड ब्लॉक 9 में, जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, राइट, हबीब यूनिवर्सिटी है। और अगर आप पहलवान गोट वाले रास्ते पर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट का रास्ता आ जाएगा। बाकी अपने इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हम इधर आज एक्सप्लोर करने वाले हैं वो देखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। एक डिश का मैं नाम आपको बता देती हूँ, जो कि पूरे कराची में मेरा दावा है कि इस वक्त कोई भी नहीं बना रहा। अगर सुनते ही मुंह में पानी आ रहा हो तो मेक श्योर नेक्स्ट यू आर कमिंग हियर। जी हाँ नाज़रीन, हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स फिश हांडी। साउंड इंटरेस्टिंग ना? तो चले आए एक्सप्लोर करते, दिखाते हैं इसकी मेकिंग कैसे। फ्रेंड्स, आप फिरोजी फिश एंड फूड्स के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है अकमल साहब, द वेरी रिस्पेक्टेबल और बहुत ही काइंड और पोलाइट। इन्होंने इतने इखलाक से देखे, फूड तो अच्छा खिला ही रहे, इंसान के इखलाक बड़ी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बड़ी अच्छी जगह है, तो खुश क्यों नहीं होंगे। बाकी फिश के हवाले से बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि फिश हमारे पास बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फिरोजी फिश के बारे में ऐसी कोई बात बताएं कि हम बार बार क्यों आए यहाँ पे। क्वालिटी ऐसी है, क्वालिटी ऐसी है, पब्लिक का एतमाद है यहाँ पर भाई। साथ ही हमारे पास रश है। एक मिनट से बोलो। अच्छा सही। और ये क्या बन रहा है भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, व्हाइट व्हाइट सा मसाला है। और ये ड्राई फ्रूट्स क्या है? ये ड्राई फ्रूट फिश हांडी बन रही है। ये फिश है इसकी, और ये इसका मसाला जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और मसाले शामिल है। और ये टॉपिंग के लिए इंजीर होगी। ये पेस्ट जो है, ये मुझे कुछ आलमंड पेस्ट वगैरह लग रहा है। हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स, इसमें आलमंड भी है, दीगर और भी ड्राई फ्रूट्स है। तो व्यूवर्स, फिश तो आपने बहुत खाई होगी, कढ़ाई, बारबेक्यू, ग्रिल, हर तरह की, लेकिन ड्राई फ्रूट हांडी आप आज फर्स्ट टाइम खाएंगे। डालो मसाला इसमें। तो साथ साथ मेकिंग भी हो रही है भाई, जाहिर सी बात है, सीनियर होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं साथ साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ड्राई फ्रूट फिश हांडी है ना, ये हमारी खुद की अपनी रेसिपी है। ये बाहर हमने किसी ने बनाई नहीं है, जिन लोगों ने खाया उनकी व्यूज आप देख ले, आप खुद खाए, आप अपना व्यू दे अपने चैनल पे दे कि आपको कैसे लगा और क्या चीज है। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, हमें चाहिए ऑनेस्ट। ठीक है, हमारी हर चीज जो है ना, ये मिजान का तेल है, मसाले और तेल जो है ना, ये पेस्ट ड्राई फ्रूट में कोई प्लास्टिक के ड्राई फ्रूट नहीं बनते। अच्छा सही। अच्छा मैंने सुना है मछली वगैरह भी आप कोई स्वाद वगैरह से लेकर आ रहे हैं? हाँ, स्वाद से हम लोग ट्राउट लेकर आए। सही। ये कौन सी फिश है जो ड्राई फ्रूट हांडी में बन रही है? ये कुंद फिश है, व्हाइट कुंद है। अच्छा, व्हाइट कुंद है। ओके, अच्छा मुझे इसके रेट्स भी बताएगा कि क्या कहीं बहुत ओवर एक्सपेंसिव तो नहीं है? आवाम बहुत बिचारी आजकल बेनाम। ये हमारी ड्राई फ्रूट फिश हांडी जो है, इसके रेट्स हमने जो रखे हैं 6,000 रुपए पर केजी। ओके, लेकिन 30 रबी अव्वल तक जो है ना,
तो वो 5000 रुपए पर केजी। अच्छा, रबी अव्वल तक आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, 5000 लगाया हुआ है। इसकी कौन सी रबी अव्वल तक? 20 रुपए में रखते हैं, उसके बाद दोबारा 6000 की हो जाएगी। जी तो फिर तीसरा व्यूअर के बाद से ना 6000 रुपए। सही। तो व्यूअर्स, अगर आप खाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट हांडी, 10% अप्रोक्सीमेटली आपको ऑफ मिल रहा है 30-12 रबी अव्वल तक। ड्राई फ्रूट हांडी जो ये तैयार हो रही है वो आपको 1000 डिस्काउंटेड मिलेगी। तो जल्दी जल्दी आ जाएं 30 रबी अव्वल तक और ये अवेल करें ऑफर। फिश लग गई है, लेयर लग रही है इसमें। जी बिल्कुल। ओके, चूल्हा नहीं जला हुआ। व्यूअर्स देखे कितने इंटरेस्टिंग तरीके से और हाइजीन तरीके से बनाए जा रही है। सही, पूरा मसाला और फिश की लेयर लगा दी गई है इसमें। इंजीर और ड्राई फ्रूट और फिश का कॉम्बो लिटरली गाइस इज गोना बी अमेजिंग। Exactly. Satisfied chef, right? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं है ना, लेकिन आप बताएं, आपने ऐसे ड्राई हांडी, ड्राई फ्रूट फिश हांडी खुद बनाई है, किसी और शेफ ने आपके साथ शेयर किया है, आपके क्लासेस में जा आपने ली है, नहीं कहीं खाई है? ये बात मैंने बार बार बोली। ओनली जो है ना फिरोजी फिश एंड फूड, और इसके अलावा हम आपको फ्यूचर और भी देंगे मामला। जबरदस्त भाई। तो भाई मेरे चैनल पर सिर्फ फिरोजी फिश की ये एक वीडियो नहीं है, इसके बाद आपको एक जबरदस्त सा फिश आपको भट्टी में हम वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप ड्राई फ्रूट हांडी देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अकमल साहब इसमें लेयरिंग कर रहे हैं इंजीर की, जबरदस्त। भाई कोयले पे भी फिश बनेगी, तो भाई ये तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। आप खाएंगे तो आप बताएंगे इंशाल्लाह कि क्या आपने खाया। अच्छा, फिश को बने में कितने साल हो गए सर? इसको 1 साल और आज तकरीबन 1 महीना 4 दिन हो गए। अच्छा, फिरोजी फिश एंड फूड। और 1 साल में ही आपने कितना कराची की आवाम का दिल जीत लिया कि आप देख सकते हैं गाड़ियों में, बाइकों पे, हर तरह से लोग। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है ट्राउट फिश ले आए, ड्राई फ्रूट फिश हांडी ले आए, लेमन बटर फिश ले आए, तवे पे तवा फिश ले आए, बट्टी ले आए हमने, बट्टी की फिश लगा दी है। तो ये हमारी 1 साल की तरक्की है अल्हम्दुलिल्लाह। और तरक्की हमारे जितने कस्टमर आते हैं, हमारे मेहमान, ये उनकी दुआओं से, उनके खलूस से, उनके प्यार से, उनकी मोहब्बत से, कि वो दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमें बरकत देता है। बिल्कुल सर अकमल, आपकी बहुत कोशिश है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में ऐसी बरकत डाले, और जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके घरों में इतनी खुशहाली पैदा करे कि आप सबको ये नेमतें नसीब हों। अब मैं आपसे मुलाकात करवाती हूँ नियाज साहब से, जो कि बहुत ही खुश असलूबी से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? प्लीज ये इतनी वाइड रेंज जो फिश की नजर आ रही है, जरा प्लीज वन बाय वन हमें बताएगा कौन कौन सी फिश है ये? और ये ट्राउट है स्वाद का अनमोल हीरा, ये 5000 रुपए किलो है। ये कुकड़ का फिंगर है, ये 1800 रुपए किलो है। ये मुश्का है, ये 2000 रुपए किलो है। गंदिया 2000 रुपए किलो है। हीरा है, रेड स्नैपर, ये 2400 रुपए किलो है। ईरानी है, वो 2600 रुपए किलो है। व्हाइट कुंद है, वो 2000 रुपए किलो है। झींगा है, वो 3600 रुपए किलो फ्राई के रेट है। ये बच्चे फ्राई के रेट है। इसके अलावा हमारे पास ग्रिल भी होती है, वो उसके और रेट है। तकरीबन ये आपको 5500 किलो मिलेगा, ये आपको 2000 रुपए किलो मिलेगा, ये 2200 मिलेगा, ये 2200 है। हीरा 2600 रुपए किलो मिलेगा। ईरानी 2800 रुपए किलो मिलेगा। कुंद है, वो आपको 2000 रुपए किलो मिलेगा। झींगे का रेट है, वो है आपका 4000 रुपए किलो। सही। अच्छा मुझे बताइएगा, ये झींगे, ये देसी झींगे है, खारे पानी के मीठे पानी के? समंदर का ये झींगे का नाम है जेरा। अच्छा, जी जी जी। इसमें टाइगर भी आता है, कमांडो भी है, कई किस्म के है, हमारे पास जेरा होता है। अच्छा मुझे बताएगा कि झींगे में सबसे महंगी क्वालिटी अच्छी यही है आपके पास या इससे कम प्राइस में? नहीं नहीं, यही है सबसे अच्छा झींगा। ये लोग दे रहे हैं फिश फ्राई, फिश कढ़ाई, फिश ग्रिल, फिश बारबेक्यू, तवा फिश, झींगा कढ़ाई, झींगा बारबेक्यू, और जो न्यूली इनका लॉन्च हुआ है वो है ट्राउट फिश एंड ड्राई फ्रूट हांडी, और इसके अलावा भट्टी की फिश भी है इनकी, वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग नेक्स्ट वीक में एक्सप्लोर करेंगे। तो माय गॉड, क्या जबरदस्त क्वालिटी का ये पराठा लग रहा है। Oh.
जी व्यूअर्स से देख सकते हैं आप, ये तवा एक जबरदस्त सा साफ सुथरे तवे पे ऑयल डाला गया है अच्छी क्वालिटी का, और ये बनने जा रही है तवा फिश। तो आपसे पूछते हैं कि तवा फिश किस कौन सी फिश की बनाई जाती है, क्या रेट है, कितनी देर में तैयार होती है? सलाम अलैकुम जी, कुछ बताइएगा तवा फिश के बारे में, ऐसी क्या खास बात है कि इतनी गाड़ियों का रश लगा हुआ है भाई? अच्छा, सब कुछ वही करते हैं, हम सिर्फ बनाते हैं, बाकी मैरिनेशन भी वो सब कुछ ही नहीं करते। जबरदस्त, सही, ठीक। अच्छा चले जी, तवा फिश के एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है फ्रोजी फिश एंड फूड पर, तो उनसे बात करते हैं मेरे भाई, क्या है इसी जबरदस्त धुआंधार ये तवा फिश तैयार होने वाली है? अच्छा, ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस कराई है? वाओ, ये बात मैं भी आपसे पूछने वाली थी कि ये तो बिल्कुल एक घरेलू जैसे तवा टाइप होता है, घर की फिश लगती है तो उसमें होम मेड वाला टच आता है, तो इनका कहना भी यही है कि ये जैसे प्रोफेशनल वे में जो फिश तवा फिश तैयार होती है वो बड़े बड़े तवों पर होती है, ऑयल गर्म हो गया तो मैं फिश में डाल देता हूँ। अच्छा, मुझे ये फिश के बारे में थोड़ा सा बताएगा और व्हाइट कुल क्या हिसाब से मिलती है? ओके, तो इस पे कोई डिस्काउंट ऑफर है? फिलहाल तो ये डायरेक्टली डिस्काउंटेड ऑफर ही है। अच्छा, ओके सर। इस तरह की डिजाइन के ऑयल में कुछ फ्राई कर रहा हूँ, इस पे जो मसाले लगे हैं वो फौरी फौरी लगते हैं, मैरिनेटेड होते हैं। इसको 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट। तो चलिए व्यूवर्स, काफ़ी यहाँ पर फ्लेम खुल है, इसको बनाना आसान नहीं है। अब इसको हम दिखाते हैं कि इसको सर्व कैसे किया जाता है, और अब जो मैं बनाता हूँ जी व्यूवर्स, हमारा खाना माशाल्लाह से आ चुका है और प्रेजेंटेशन देखे, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरती से और फिनिशिंग से शेफ ने इसकी गार्निशिंग और डेकोरेशन की है, ज़बरदस्त भाई। ये ट्राउट फिश आ गई, तवा फिश आ गई, तो आप इसकी देखेंगे, इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा सफिशेंट अमाउंट ऑफ वेजिस दी गई है, ये चपाती है और मज़ेदार सी ग्रीन चिलीज फ्राइड आ गई और दो सॉसेज आ गए मज़ेदार से, थैंक यू जी। जी जरूर, जरा प्लीज ये मेन्यू के बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये तवा फिश है, व्हाइट कोंदे इसमें जी, ये फ्राइड फिंगर है जी, और ये ट्राउट फिश है। फर्स्ट टाइम इन कराची, फर्स्ट टाइम इन कराची, जो आपको सिर्फ मिलेगी फिरोजी फिश एंड फूड्स पर। इन सब में कांटा तो नहीं होता? इसमें भी कांटा नहीं होता जी, इसमें होता है हल्का फुल्का कांटा होता है मीठे पानी जी। और चटनी हमारा आपकी सिग्नेचर है? बिल्कुल बिल्कुल, इमली की चटनी है तो? ये सीक्रेट सॉसेस हैं। अच्छा, सिग्नेचर सॉस। या थैंक यू सो मच। आ गई है हमारी ड्राई फ्रूट हांडी, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी हांडी में लेयरिंग पे, और इसको कोयलों पर बनाया गया है, तो आपको दिखाते हैं, टेस्ट भी बताते हैं, और प्रेजेंटेशन देखिए कितनी खूबसूरती से हांडी में ही प्रेजेंटेशन की गई है। तो हमें कमेंट करके बताएगा कि क्या कराची शहर में आपको ड्राई फ्रूट फिश हांडी इससे पहले का योर फेवर। सबसे पहले बिस्मिल्लाह मैं करूंगी इस मज़ेदार सी टेम्परिंग तवा फिश से, जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो देखें, ग्रीन चिलीज इसमें कितनी खूबसूरती से डेकोरेट की गई है, और सम सफिशियंट अमाउंट ऑफ सैलेड इसमें दिया गया है, और ये तवा चिकन की आप देखें टेक्स्चर देखें कितना खूबसूरत है, कि हल्का हल्का सा इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, और अंदर से इसका टेक्सचर देखें, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि एक ही कांटा होता है, देखें ये वाला, ज़्यादा इसमें कांटा नहीं है, तो अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है मेरी तरह तो आ जाए बस फ्रोजी फिश एंड फूड सेंटर पे। तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेरी टेस्टी। अच्छा, इसका फ्लेवर ऐसा है
ऊपर तो चटपटे मसाले आ रहे हैं और अंदर जो फिश का टेस्ट आ रहा है ना, इटसेल्फ फिश बहुत ज्यादा टेस्टी है। अच्छा ये फिश कौन सी है? व्हाइट उन्होंने सोने पे सुहागा। इसका आप टेक्सचर देखिए, मसाला लाइट लाइट लगाया है, बहुत ज्यादा इसको ओवर कोटेड नहीं किया गया, फिश के अपने ही मसाले को इनहेंस किया गया है, तो जबरदस्त भाई, 10 out of 10 तवा फिश। अब टू द नेक्स्ट प्लेटर जिसमें आपको दिखाया जा रहा है बारबेक्यू। उसमें दो तरह की, दो टाइप की फिश है। इसमें भी आपको कुछ सैलेड की अमाउंट दी गई है एंड क्रिस्पी फ्राइड आपको ग्रीन चिलीज भी दी गई है, जो कि आपको चैलेंज है कि इसको एज इट इज खा के दिखाएं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। हमारी टीम मेंबर्स उसको थोड़ा सा टेस्ट कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त भाई, ये भी बहुत मजे की है, चटपटी ज्यादा, वैसे तवा चिकन है इट्सेल्फ, ये बहुत अच्छी है। इसका भी जो ज्यादा मसाला इस पे नहीं लगाएगा, देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा मसाले हैं, लेकिन इट्सेल्फ ये बहुत मजे की है, तो ये भी ट्राई करते हैं। ये क्या है भाई? ये फिंगर फिश है। तो फिंगर फिश किसको पसंद नहीं होती व्यूअर्स? सबसे पहले तो उसका टेक्सचर देखिए, इस पे भी बहुत ज्यादा अच्छा। फिंगर जब भी फिश की कोई भी टाइप होती है ना, तो उसमें ज्यादा स्पाइसेस ना हो तो सही लगता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है ज्यादा मसाले वगैरह लगे, लेकिन अलग अलग सबका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो फिंगर फिश का सबसे पहले टेक्सचर चेक करें, ये बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली नहीं है, अंदर से देखिए कितनी जबरदस्त है, और ये टेस्ट करके बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सबको ये खाने का और तौफीक अता करे। माशाल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाकई में मजा आ गया, सीरियसली बहुत, नो डाउट अच्छा है। और एक और ये हम ट्राई करते हैं अब, ट्राउट फिश। ट्राउट फिश जो है ये भी बहुत मजे की लग रही है। ये पूरी देखिए एक फिश का पीस है, इसमें भी आपको कुछ सैलेड दिए गए हैं और थोड़ी सी चटनी भी दी गई है। सबसे पहले हम चटनी के बगैर ही इसको टेस्ट करते हैं और आप बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। वाओ, टेक्सचर देखिए इसका व्यूवर्स, इसमें थोड़े थोड़े कांटे आएंगे, ये थोड़े से आपको कांटे सेपरेट करने हैं एंड यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये निकाल दिए मैंने और ये टेस्ट करके आपको बताती हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह, सीरियसली फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छी है। इस पे भी मैं अगेन यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा मसालों का टेस्ट नहीं आ रहा, फिश का अपना टेस्ट आ रहा है, जो हीक होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत ही इसको फिनिशिंग से और एक्सपर्टली इसको बनाया गया है। करीब आके जरा कैमरामैन इसका टेक्सचर दिखाएगा। इसका मसाला देखिए, इसकी जो स्किन है ऊपर से, ये कितनी जबरदस्त बनाई गई है। कुछ लोग ये रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगता है, इसको स्किन के साथ ही खाना चाहिए, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत टेस्टी, वेरी नाइस। फिरोजी फिश एंड फूड सेंटर में बड़े आपको नहीं मिलेंगे, आपको छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे। तो देखिए ये आए हुए हैं और इनको इनका यहाँ का स्टाफ कितने प्यार से डील कर रहा है, तो बच्चे शाय हो रहे हैं। तो आ जाए टेस्टिंग की तरफ अगेन, अब हम ट्राई करेंगे इनकी जबरदस्त सी ड्राई फ्रूट हांडी, जो कि इनकी सिग्नेचर आइटम है। इनका दावा है कि पूरे कराची में इस वक्त कोई भी नहीं ऑफर कर रहा, ये अंजीर है और देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ये बनाई गई है, अंजीर रख के ड्राई फ्रूट्स के साथ मैरिनेटेड की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट्स का जो मसाले का जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही एक अलग और यूनिक है। लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय।